Very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture, and this lecture is basically for class 11, chapter 15 from the element mathematics. We already did the exercise 15.1 and 15.2, and we did all the questions from the exercise from 1 to question number 11. Now in this lecture, I am going to solve each and every question from the question number 12 and onwards. I hope you will enjoy the video. So I request everyone, please listen to me carefully and please watch the video from starting to the end. So don't waste our time. Let's come our first question. Please look at the board, please. A from an urn. Urn ka means kya hota hai? Ek box hota hai. Just simple samjhiye, ek container. So I'm talking about a box. So ye kehta hai ki from a box containing 6 white and 9 black balls. तो जब भी प्रोबेबिलिटीज के क्वेश्चंस आते हैं, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, उसको स्टेटमेंट को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश कीजिए, जिससे आपको पूरी स्टेटमेंट माइंड में स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे एक अर्न है, तो मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना लेता हूँ। ये मेरा बॉक्स है, इस बॉक्स को क्या नाम दे सकते हो आप, अर्न भी नाम दे सकते हो। अब क्या कहता है कि इस बॉक्स में 6 व्हाइट बॉल्स हैं, तो आप 6 व्हाइट बॉल्स बना सकते हो। फिर है 9 ब्लैक बॉल्स, तो आपने 9 ब्लैक बॉल्स बनाई। आप क्वेश्चंस को नेक्स्ट रीड करिए। नेक्स्ट कहता है कि ए बॉल इज ड्रोन, तो इसको एक एरोहेड से रिप्रेजेंट कर सकते हो। वन एरोहेड का मतलब क्या होता है कि आपने वन बॉल को ड्रॉ किया गया है। आपको फाइंड द प्रोबेबिलिटी, मतलब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ ब्लैक। सबसे पहले आपको टोटल आउटकम्स निकालने हैं। टोटल आउटकम्स यहाँ पे कितने हो जाएंगे आपके, टोटल बॉल्स कितनी है आपकी, 6 प्लस 9 विच इज इक्वल टू 15। अब एक कॉन्सेप्ट जो आपको समझना है, जो क्वेश्चंस को मैं इजी भी करा सकता हूँ और इस क्वेश्चन को डिफरेंट वे से भी करा सकता हूँ। पहले आप सिंपल वे से समझिए, टोटल आउटकम्स कितने हैं आपके, 15 बॉल्स। फिर आपको क्या निकालना होता है सेकंड स्टेप पे, फेवरेबल आउटकम्स। और फेवरेबल आउटकम्स किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, दैट इट इज ब्लैक। तो ब्लैक बॉल्स कौन सी कितनी है आपकी, ब्लैक बॉल्स है 9। प्रोबेबिलिटीज का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स इसका मतलब 9 एंड टोटल आउटकम्स इज व्हाट, 15। तो आपका आंसर कितना आ गया, 9/15, ये आपका आंसर आ गया। तो जब यहाँ पे अभी हम एक ही बॉल ड्रॉ कर रहे हैं, जब आप मोर देन वन बॉल ड्रॉ करते हो तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस आ जाती है। क्यों, जब आप दो बॉल चूज करोगे या थ्री बॉल चूज करोगे तो वो दो बॉल कैसी हो सकती है, उसके लिए हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना होगा। आई होप यू, आपको ये पता होगा, नहीं पता होगा तो प्लीज मेक अ नोट। सबसे पहले इस क्वेश्चन को नोट करिए, फिर मैं इसी क्वेश्चन को एक बार डिफरेंट वे से और करा रहा हूँ, जिसका कॉन्सेप्ट आपको समझना जरूरी है फॉर दिस वीडियो के लिए। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारी टोटल बॉल्स कितनी है, 15 बॉल्स है, और आपको कितनी बॉल्स ड्रॉ करनी है, 1 बॉल ड्रॉ करनी है। इसका मतलब 15 में से कोई भी एक बॉल ड्रॉ कर सकते हो। तो जब आपको कुछ नंबरिंग दी जाती है और उसमें से आपको कुछ सिलेक्शन करना होता है, तो उसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन। उसको ध्यान से समझिएगा, पूरा जो एक्सरसाइज है अपनी मेनी क्वेश्चन वो उसी से सोल्व होगी। अब हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन की। तो कॉम्बिनेशन का सिंपल से मैं एग्जांपल लेता हूं। मेरे पास 3 लेटर है, एक लेटर है आर और एक लेटर है ए और एक लेटर है एम। सपोज करता हूं मेरे पास लेटर है एक आर और एक एम, ए और एक एम, आर ए एम। और मैं कहता हूं इससे दो दो की पेयर से एक वर्ड बनाइए, चाहे उसका मीनिंग निकले या ना निकले। तो आप कैसे बनाओगे इससे, हो सकता है आप पहले आर के साथ ए यूज कर लो, या हो सकता है R के साथ M यूज कर लो। दो ये बन सकते हैं। ऐसे ये भी बन सकता है कि आप A के साथ R भी यूज कर सकते हो और A के साथ M भी यूज कर सकते हो। ऐसे ही आप M के साथ R भी यूज कर सकते हो और M के साथ A भी यूज कर सकते हो, कर सकते हो आप। इसका मतलब जब आपके पास 3 लेटर है और आपको उसमें से 2 लेटर सेलेक्ट करने हैं, तो उसके कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन आए, ये कॉम्बिनेशन आए। अब इन कॉम्बिनेशन में
दो टाइप के अरेंजमेंट यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये आपका एक चैप्टर आएगा 11th क्लास में ही है, वो हम डिस्कस करेंगे जब हम उस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। वेरी वेरी इजी चैप्टर है, पर यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज होगा कॉम्बिनेशन। अब परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में छोटा सा डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस में मैं आपको पहले यहीं पे बताऊंगा, अदरवाइज फिर ये टॉपिक जो है वो आपको टिपिकल लगेगा। तो सबसे पहले यहां देखिए, जैसे ये आर ए है और इसको देखिए, मैं इन दोनों वर्ड को कंपैरिजन करता हूं, आर ए और ए आर को कंपेयर करता हूं। आप देखिए ध्यान से, यदि मैं लेटर वर्ड की बात करता हूं तो आर ए, आर ए एक वर्ड अलग है, यदि इसकी प्रोनंसिएशन आपको आती हो तो आप बना सकते हो, आर ए रा कुछ बना सकते हो। ऐसे ही मैं इसकी प्रोनंसिएशन की बात करता हूं तो इसकी प्रोनंसिएशन क्या आएगी, आर। इसका मतलब दोनों की वर्ड जो प्रोनंसिएशन है वो दोनों की डिफरेंट है। जब डिफरेंट है इसका मतलब दोनों वर्ड्स क्या है, डिफरेंट है। तो ये दोनों वर्ड्स क्या है, डिफरेंट है। लेकिन आप ध्यान से देखते हो, लेकिन इसमें लेटर तो वही यूज करे हुए हैं, इसमें भी आर और ए लेटर से वर्ड बना हुआ है, लेकिन इसमें भी ए और आर से बना हुआ है। लेकिन जब लेटर को आपने उल्टा करा, रिवर्स करा, चेंज करा, तो लेटर को रिवर्स करने से यदि उसका मीनिंग चेंज हो जाता है तो उसको हम कहते हैं परम्यूटेशन। तो उस टाइप के अरेंजमेंट का नाम होता है परम्यूटेशन। तो जब आप यहां लिखते हो कि आर ए नॉट इक्वल टू ए आर, इसका मैं एक कॉमन एग्जांपल और भी देता हूं। फॉर एग्जांपल आपके पास दो डिजिट है, एक डिजिट वन है और एक डिजिट टू है, या एक मान लेता हूं एक डिजिट टू है और एक डिजिट थ्री है। मैं एग्जांपल और ले रहा हूं, हमारे पास दो डिजिट्स है, लेट वी हैव टू डिजिट्स, एक डिजिट है टू और एक डिजिट है थ्री। आपको टू और थ्री डिजिट से नंबर बनाना है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि टू और थ्री से एक नंबर टू थ्री भी बन सकता है, 23। यदि मैं डिजिट को इंटरचेंज कर देता हूं तो इंटरचेंज करने से यहां क्या बन जाएगा, 3 और 2 32। लेकिन आपको दिखाई देता है कि ये 23 और ये 32 दोनों नंबर क्या है, डिफरेंट है। तो यदि दोनों नंबर डिफरेंट आते हैं तो वो केस किसका होता है, परम्यूटेशन का। ये चीज होती है केस किसकी, परम्यूटेशन की। यहां तक समझ आया? और यदि इसका मीनिंग सेम आ जाता है तो वो होता है कॉम्बिनेशन। यहाँ पे हम दो बोल्स निकालेंगे। अब दो बोल्स का मतलब क्या है, जैसे मैं यहां से एक बोल्स निकाल लेता हूं व्हाइट बोल, दूसरी बोल निकाल लेता हूं ब्लैक, ठीक है। पहली बोल मैंने क्या निकाल ली, व्हाइट, और दूसरी बोल क्या निकाल ली, ब्लैक। अब मैं इसका ऑर्डर चेंज कर देता हूं, ये ब्लैक है और ये क्या है, व्हाइट। मैंने बोल्स का क्या ऑर्डर चेंज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे एक हाथ में व्हाइट बॉल है, एक हाथ में ब्लैक बॉल है। अब मैं इस हाथ की बॉलों को आपस में इंटरचेंज कर देता हूं तो नेचुरली इसमें अपोजिट बॉल हो जाएगी, इसमें अपोजिट बॉल। लेकिन मेन पॉइंट क्या है कि दोनों बॉल है तो सेम ही ना, आपने ऑर्डर चेंज करा, लेकिन ऑर्डर चेंज करने से उनकी बॉल चेंज नहीं हुई, उनका कलर चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब दोनों बॉल क्या है, सेम है। तो जब आप ऑर्डर चेंज कर देते हो और ऑर्डर चेंज करने के बाद आपको सेम एलिमेंट मिलते हैं, उसका मीनिंग सेम ही रहता है, तो आप उसको क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन। तो सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। तो हम हाँ इसकी बात करेंगे, ये दोनों क्या चीज है, इक्वल है, तो इसका नाम क्या है, कॉम्बिनेशन। इसको हम बहुत डिटेल में रीड करेंगे जब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बट मैं यहां पे एक वर्ड कराना चाहता था, कॉम्बिनेशन। अब कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं उसका एक आइडेंटिटी होती है जो आपको लर्न करनी है, अब उसे हमें सीखना है। सो प्लीज मेक अ नोट दिस। नाउ आप समझिए कि कॉम्बिनेशंस कैसे निकालते हैं। जैसे इसका सिंपल कॉम्बिनेशंस को लिखने का तरीका क्या होता है, उसको नोट करिएगा ताकि आपको सॉल्व करना काफी इजी हो जाए। कॉम्बिनेशन का सिंपल सा फॉर्मेट होता है, इसको लिखते हो एन, सॉरी कॉम्बिनेशन का सी, फिर ब्रैकेट, फिर एन कॉमा आर। यहाँ पे ये जो n है, n इंडिकेट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे मैंने आपको राम वर्ड दिया था, आर ए एम, तो तीन लेटर दिए थे, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया, 3। तो यहाँ पे जो इसका एक सिंटेक्स ये होता है और दूसरा सिंटेक्स ये होता है n c और r। कैपिटल c बड़ा लिखा जाता है और n और r छोटा लिखा जाता है। तो n क्या इंडिकेट करता है यहाँ पे, where n indicate करता है number of elements, तो this one is what, number of elements।
और जो आर इंडिकेट करता है वो सिलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होता है कि आप कितने एलिमेंट्स को सिलेक्ट करना चाह रहे थे। फॉर एग्जाम्पल इन प्रीवियस केस में हमने कितने सिलेक्शन करे थे, हमारे पास लेटर थे थ्री आर ए एन, इसका मतलब एन की वैल्यू कितनी थी थ्री, और हमें दो दो की पेयरिंग से वर्ड बनाने थे, इसका मतलब हमें दो दो का कॉम्बिनेशन बनाना था, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई टू। तो हम इस कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, ये थ्री सी टू, इस टाइप से आप इसको लिखोगे। अभी आपको इसको सोल्व करना है, तो इसको सोल्व करना है तो कैसे लिखेंगे, इसका फॉर्मूला होता है सिंपल सा, याद रखिए एन, और ये साइन होता है फैक्टोरियल का, इसको नोट कर लीजिए, ये साइन किसका होता है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और दूसरा साइन ये होता है, जैसे मैं यहां लिखता हूं एन फैक्टोरियल और ये सिंबल लगा देता हूं, तो दोनों सिंबल क्या डिनोट करते हैं, फैक्टोरियल को ही शो करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला क्या बनता है, एन फैक्टोरियल ये फैक्टोरियल डिवाइड में आर फैक्टोरियल, फिर ब्रैकेट में इन दोनों का डिफरेंस एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो इस आइडेंटिटी को आपको लर्न करना है कॉम्बिनेशन के केस में। अब देखिए कैसे अप्लाई करते हैं, सबसे पहले ऊपर वाले टर्म का फैक्टोरियल आता है, इसका मतलब यहां आएगा थ्री फैक्टोरियल डिवाइड विद, फिर नीचे वाले टर्म का फैक्टोरियल यहां पे टू है तो यहां टू फैक्टोरियल आएगा, उसके बाद क्या है दोनों का डिफरेंस एन माइनस आर, सो थ्री में से टू माइनस करेंगे क्या आएगा वन, तो वन का फैक्टोरियल। यहां तक समझ आ गया, अब आपको सिंपल क्या सोल्व करना आना चाहिए, फैक्टोरियल कैसे होता है, फैक्टोरियल का मतलब होता है कि उस नंबर को कंटिन्यूसली वन वन डिक्रीज करते जाइए जब तक कि लास्ट वैल्यू उसकी वन नहीं आती, तो ये होता है फैक्टोरियल, एक मैथमेटिकली रिलेशन कह सकते हो टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रीवियस एलिमेंट के साथ। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको यहाँ थ्री का फैक्टोरियल सोल्व करना है, तो आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करते जाओगे इसके प्रीवियस एलिमेंट के साथ, थ्री की मल्टीप्लाई इसका प्रीवियस एलिमेंट क्या होगा टू, उसका प्रीवियस एलिमेंट क्या होगा वन, जब तक कि लास्ट में वन नहीं आता तब तक आप उसको सोल्व करते जाओगे। ऐसे ही जैसे मैं फाइव का फैक्टोरियल लिखना चाहूँ, तो फाइव का फैक्टोरियल का इस लिखूंगा पहले फाइव, फिर फाइव से एक कम कर दीजिए फोर, फिर एक कम कर दीजिए थ्री, फिर एक कम करिए टू, फिर एक कम करिए वन, इस टाइप से हम उस फैक्टोरियल को सोल्व कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हो इसको यदि सोल्व करना है तो हम सोल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले एक बार प्लीज मेक अ नोट अगेन, अब ध्यान दीजिए थ्री का फैक्टोरियल इसको कैसे सोल्व करोगे, थ्री मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई वन, फिर यहाँ पे टू, टू का फैक्टोरियल को भी ऐसे करो सोल्व करोगे टू मल्टीप्लाई वन, बीच में इनके साइन कुछ नहीं होता, इसका मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई होती है, तो ये क्या है वन का फैक्टोरियल। तो आप याद रखिए जीरो का फैक्टोरियल आ जाए इसका आंसर भी वन होता है, और वन का फैक्टोरियल आ जाए इसका आंसर भी क्या होता है वन होता है। तो ये क्या आ गया, वन का फैक्टोरियल वन ही होगा, टू से टू कैंसिल आउट हो गया, आपका आंसर कितना आ गया थ्री। तो इस टाइप से आप इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो कॉम्बिनेशन को। लेकिन यहाँ पे अब हम कुछ शॉर्टकट यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज में आपको शॉर्टकट अप्लाई करना है, इतना लॉन्ग कट अप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन काफी टिपिकल हो जाएगा, काफी लेंथी हो जाएगा। इसको मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, जैसे थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल आपको सॉल्व करना है 10C2, इसका मतलब 10 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और आपको उसके दो दो की पेयरिंग बनानी है, तो आंसर कितना आएगा, इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे तो काफी लेंथी हो जाएगा। पहले क्या लिखोगे 10 का फैक्टोरियल, फिर उसके बाद नीचे वाले का फैक्टोरियल मतलब 2 का फैक्टोरियल, फिर 10 में से 2 माइनस करिए 8 का फैक्टोरियल, ऐसे लिखेंगे। अब देखिए आपको पता है फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, उसकी मल्टीप्लीकेशन होती है उसके प्रीवियस एलिमेंट के साथ, ठीक है। यदि आप उसको कंटिन्यूसली वन तक नहीं लेकर जाना चाहते तो बीच में आप स्टॉपर लगा सकते हो, स्टॉपर का मतलब है फैक्टोरियल, जहां पे भी आप फैक्टोरियल को छोड़ते हो उसका मतलब क्या है, फिर से वो आगे चलेगा विद मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रीवियस नंबर। फॉर एग्जाम्पल जैसे अब हमें इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करना हो तो कैसे इजिली सोल्व कर सकते हो, जैसे ये 10 का फैक्टोरियल है, आप इसको सोल्व करोगे तो 10 से अगला नंबर क्या आएगा, प्लीज 9, फिर 9 से एक कम करोगे तो 8। अब 8 से आगे मत सोल्व करिए, क्यों, क्योंकि ध्यान से देखिए
नीचे भी 8 का फैक्टोरियल है। याद रखिएगा फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कभी नहीं कटता, जब फैक्टोरियल के साथ जो नंबर होगा वो सेम नंबर होगा तो ही कट सकता है, अदरवाइज नहीं कट सकता। इसका मतलब यहाँ पे 8 फैक्टोरियल है तो ये 8 फैक्टोरियल से ही कट सकता है, इसलिए यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, स्टॉपर लगाना होगा। आपको पता है ये 8 फैक्टोरियल को सोल्व करता हूँ तो क्या आएगा 8 फिर 7, इसका मतलब कहीं पे भी आप ये फैक्टोरियल लगा सकते हो। अब ये सोल्व करना कितना इजी हो गया, 2 का फैक्टोरियल आपको पता है 2 × 1 होता है, और 8 का फैक्टोरियल सोल्व करोगे तो क्या आएगा 8 का फैक्टोरियल। सोल्व करने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि ये तो कट जाएगा। तो आप इसको देखते हो तो ये तो इससे कट गया, 2 से कट करते हो तो 2 × 5 = 10, इसका मतलब 9 × 5 = 45, आपका क्या आ गया आंसर आ गया, समझ आया आपको। अब मैं आपको इसी तरह शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा इसको सोल्व करने की, तो आप उस मेथड को जल्दी अप्लाई करिए ताकि क्वेश्चन सोल्व करना बहुत आसान हो जाए। प्रोबेबिलिटीज में आपको ये चेक नहीं किया जाएगा कि आपने कैसे सोल्व किया है, आपका जो आंसर चेक किया जाएगा कि आपने कॉम्बिनेशन का क्या रिजल्ट आया। तो आप यहाँ नोट कर लीजिए हमें 10C2 को सोल्व करा है, कितना आया 45। अब मैं शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ, सो प्लीज अगेन मेक अ नोट। अब ध्यान दीजिए, जैसे हमारा क्वेश्चन क्या था, आपको सोल्व करना था 10C2, तो कैसे सोल्व करना है आप ये देखिए, नीचे कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स है, इसका मतलब आपको जो अपना फैक्टोरियल है वो 2 टर्म्स तक सोल्व करना है, तो इसकी 2 मतलब आपको 2 टर्म में इसको सोल्व करना है। आप देखिए 10 की 2 टर्म लिखोगे तो क्या आएगा 10 × 9, इसलिए 1 टर्म 2 टर्म हो गई। ऐसे ही 2 की भी 2 टर्म लिखोगे तो क्या आएगा 2 × 1 आएगा। अब आप इसको कट करते हो तो 2 × 5 = 10, तो 9 × 5 क्या आ गया 45 आपका आंसर आ गया। तो ये शॉर्टकट आपको यूज करना है। जैसे मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, आपको सपोज करा 10C3 सोल्व करना है, कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे नीचे क्या है 3, इसका मतलब आपको 3 टर्म में लिखना है, तो 3 टर्म में लिखिए इसको 10 × 9 × 8, और 3 को भी 3 टर्म में 3 × 2 × 1। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए, जो कटता है इसे काट दीजिए, 3 × 3 = 9, 2 × 4 = 8, 3 × 4 = 12 × 10, 120 आपका आंसर है। इसको आप वेरीफाई कर सकते हो यूजिंग जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, उस फॉर्मूले में पुट करके करके वेरीफाई भी कर सकते हो। आई होप आपको समझ आया होगा। तो अब याद रखिए, अब हम इन सब क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, जब आपको एक बॉल निकालनी होती है तो उसमें अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक ही बॉल सेलेक्ट कर रहे हो। जैसे यहाँ था आपका आंसर कितना आया था, यहाँ पे ब्लैक बॉल के निकाल देते तो 9/15 आपका आंसर था। तो मैं इसी क्वेश्चन को अब उस डिफरेंट वे से बताता हूँ आपको, 9/15 आपका आंसर था। सबसे पहले हमारे टोटल बॉल देखिए कितनी बॉल्स है आपकी, यहाँ पे 15 बॉल्स है, लेकिन 15 में से आपको निकालनी कितनी बॉल्स है, एक बॉल निकालनी है, इसका मतलब आपके पास 15 बॉल्स है और सेलेक्ट कितनी करनी है आपको 1, और आपको ये सोल्व करना आता है 15C1, मतलब एक ही टर्म है, तो एक ही टर्म में लिखोगे इसको क्या लिखोगे, इसको 15 और इसको 1, इसका मतलब आंसर कितना आ गया 15 आ गया। ऐसे ही आप जब इसको सोल्व करेंगे फेवरेबल आउटकम, तो ये कितना है आपका 9 9C1, क्योंकि एक ही बॉल निकालनी है, अगेन एक ही टाइम सोल्व करोगे तो 9/1 कितना आ गया आपका 9। अब फेवरेबल आउटकम्स 9 एंड टोटल आउटकम्स कितने हैं 15, तो आपका आंसर वही आया 9/15। लेकिन ये अभी इसका यूज नहीं था, क्यों, क्योंकि आपने एक बॉल निकाल रहे थे तो एक बॉल से फर्क नहीं पड़ता, जब आपकी कॉम्बिनेशन 2 बॉल निकालनी हो 3 बॉल निकालनी हो उस टाइप पे आपको अरेंजमेंट करना हो तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट आप कॉम्बिनेशन के हेल्प से ही फाइंड आउट करोगे। आई होप आपको इस हद तक समझ आई होगी। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 13 पार्ट 1, ए बैग कंटेन 5 red, 3 black and 4 white balls। इसका मतलब हम इसको डायग्राम की हेल्प से बनाएंगे, तो ये डायग्राम कैसा बनेगा आपका, कि ये एक बैग है जिसमें 5 red balls हैं, 3 black balls हैं और 4 white balls हैं, यही है हमारा क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन में क्या कहता है कि 1 ball is drawn, इसमें मतलब आपको एक बॉल ड्रॉ करनी है, what is the probability that either red or white की निकालनी है। सबसे तो पहले अपना देखिए टोटल आउटकम्स निकालते हैं, टोटल बॉल्स कितनी है आपकी 5 + 3 + 4, 5 × 3 = 8 और 4 = 12,
ठीक है, कितनी बॉल्स निकालनी है आपको, वन निकालनी है, इसका मतलब 12C1, 12C1 मतलब एक टेंस होता है 12/1, आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 12 आएगी। अब आपका सेकंड स्टेप क्या है, फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स क्या कहता है, रेड और व्हाइट आइदर, क्या कहता है, रेड भी होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, व्हाइट भी होनी चाहिए। अब देखिए राइट रेड और व्हाइट, अब देखो रेड कितनी है 5 और व्हाइट, इसका मतलब या रेड हो सकती है या व्हाइट हो सकती है, रेड कितनी है 5 या कौन सी हो सकती है व्हाइट, और व्हाइट कितनी है 4, यही है निकालने तो एक ही बोल है ना, तो रेड इनिशियली सिलेक्ट होती है तो रेड में से भी एक ही निकलेगी, यदि व्हाइट सिलेक्ट होती है तो व्हाइट में से भी एक निकलेगी, मतलब ये केस ही जाएंगे। इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग करते हैं तो 5C1 क्या आएगा आपका, डायरेक्ट शॉर्ट कट करोगे 12C1 क्या आता है 12, तो 5C1 5 और ये कितना हो गया 4, और का मतलब होता है प्लस, इसका मतलब क्या आ गया 5 + 4 = 9। तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ आइदर रेड और व्हाइट क्या आ जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स 9 एंड टोटल आउटकम्स इज व्हाट, 3 की टेबल पे कट कर दो इसे कितना आ जाएगा 3/4, तो 3/4 क्या आपका आंसर है। आई होप आपको समझ आया होगा, सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 13 पार्ट सेकंड, ए बैग कंटेन 3 रेड, इसका मतलब क्या है, अगेन क्वेश्चन बैग का ही है, तो मैं फिर से एक बैग ड्रॉ कर लेता हूं, इस बैग में 3 रेड बॉल्स हैं, 7 ब्लू बॉल्स हैं और 5 व्हाइट बॉल्स हैं। अब देखिए स्टेटमेंट चेंज हो गई, आपको फाइंड द प्रोबेबिलिटी, यहां पे एक बॉल नहीं निकाल दी, यहां पे आपको दो बॉल निकालने, इसका मतलब यहां पे आपको दो बॉल निकालने, सो 2 बॉल्स आर ड्रॉन, यहां पे समझ आ गया आपको। अगर आपको पता है स्टेटमेंट में जैसे आता है आपका सबसे पहले टोटल आउटकम्स है, तो टोटल आउटकम्स निकालिए, टोटल बॉल्स कितनी है यहाँ पे 3 + 7 + 5 कितना हो गया 15, और 15 में से कितनी बॉल्स आपको निकालनी है 2, तो 15C2, सॉल्व करना आसान पता है आपको, यहाँ 2 है तो इसका मतलब 2 स्टेप तक सॉल्व करोगे, 15 14 और 2 × 1, 2 पे कट कर दो 7, 15 7 का कितना हो गया 135, ये आपके टोटल आउटकम्स आ गए। अब हम किसकी बात करेंगे, अपने फेवरेबल आउटकम्स की। फेवरेबल आउटकम्स क्या कहता है कि 2 बॉल्स आर ड्रोन, 1 इज व्हाइट एंड ब्लू, इसका मतलब व्हाइट और ब्लू, तो एक व्हाइट निकलेगी और एक ब्लू, व्हाइट कितनी है आपकी 5, तो 5 में से कोई एक बॉल निकलेगी, और क्या कहता है एंड, याद रखिए जहां और आता है और का मतलब प्लस होता है, और एंड आ जाए तो एंड का मतलब मल्टीप्लाई होता है, इसका मतलब यहाँ पे एंड है, और फिर क्या लिखा ब्लू, ब्लू कितनी है 7, तो 7 में से भी कोई एक निकलेगी, तो ये 5C1 तो कितना हो गया 5, और आपको पता है एंड का मतलब मल्टीप्लाई, 7C1 कितना 7, तो कितना हो गया 35, तो प्रोबेबिलिटी इजी है, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 35 एंड टोटल आउटकम इज व्हाट 135, तो आपका आंसर कितना आ गया 35 अपॉन में 135, ये आपका आंसर आ गया। आई होप आपको समझ आया होगा, प्लीज मेक अ नोट। आंसर इज गिवन द कॉम्बो आफ्टर द कटिंग, 13 को कट करेंगे इसको तो आपका आंसर आ जाएगा 1/3, तो आपका आंसर शॉर्टकट हो जाएगा इसको कट फॉर्म में आप लिखोगे तो। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि ए बैग कंटेन, फिर आपका क्वेश्चन वही आ रहा है बैग का, तो आप बैग को बनाइए डायग्राम, मैं डायग्राम बना लेता हूं, ए बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स, 4 ब्लैक बॉल्स, और नहीं है तो ये हमारा बैग हो गया। अब कहता है कि 2 बॉल्स आर ड्रोन, इसका मतलब मैं 2 एरो हेड लगा देता हूं, 2 एरो हेड का आपको मीनिंग समझ आ गया, कितनी बॉल्स निकालनी है आपको, 2 बॉल्स निकालनी है। पहला पार्ट कहता है कि बोथ आर रेड बॉल्स, दोनों की दोनों क्या होनी चाहिए, रेड होनी चाहिए। सबसे पहला तो स्टेप क्या था, टोटल आउटकम्स, तो पहले मैं टोटल आउटकम्स ही निकाल लेता हूं, टोटल आउटकम्स, बॉल्स कितनी है टोटल 3 + 4 = 7,
निकालने कितनी है आपको, टू, इसका मतलब सेवन में से कोई बोल निकलेगी टू। इसको सोल्व करना कितना इजी था, सेवन इंटू सिक्स और टू इंटू वन, टू पे कट कर दो, कितने पे कट होगा ये थ्री पे, तो कितना आ गया 21। इसके बाद आप पहला पार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट फेवरेबल आउटकम्स, क्या कहता है, बोथ आर रेड बॉल्स, तो रेड बॉल्स है हमारी, बोथ रेड बॉल्स, रेड बॉल्स कितनी है आपकी थ्री, कितनी निकालनी कितनी है टू, तो थ्री सी टू, सोल्व करना आता है आपको थ्री इंटू टू और टू इंटू वन, टू से टू कैंसिल आउट, कितना आ गया थ्री आ गया। इसका मतलब प्रोबेबिलिटीज बोथ रेड, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं आपके थ्री और टोटल आउटकम कितने हैं आपके सेवन, तो आपका आंसर कितना आ गया थ्री बाई सेवन। अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड पार्ट ये रहा आपका, सेकेंड पार्ट में आपको फेवरेबल आउटकम्स निकालने हैं, सॉरी गलती कर दी पे, थ्री डिवाइड बाई कितना है सेवन, 21 आउटकम्स है ना आपके 21, तो इसको कट करके लिखिए 3 1 3 3 7, तो आपका आंसर ये आएगा 1/7 आएगा, इसको कट करेंगे तो। ऐसे सेकंड पार्ट करिए फेवरेबल आउटकम्स, यहां क्या है बोथ ब्लैक बॉल्स, दोनों की दोनों कौन सी निकालनी है आपको ब्लैक बॉल्स की। अब ब्लैक बॉल्स देखिए कितनी है आपकी, 4 है, तो 4 में से आपको दो निकालनी है, सॉल्व करने का वही स्टेप है 4 × 3 और 2 × 1, 2 पे कट करिए कितना वैल्यू आ गया 2 1 2 2 2 4, 2 × 3 6, तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ बोथ ब्लैक बॉल्स फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 6, टोटल आउटकम इज व्हाट, इसको 3 की टेबल पे कट कर सकते हो 3 2 6, 3 7 21, इसका मतलब आपका आंसर आ गया 2/7, तो फर्स्ट आंसर ये है, सेकंड आंसर आपका 2/7 है। सो प्लीज मेक अ नोट, देन वी विल डू वन रेड एंड वन ब्लैक बॉल्स, प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द थर्ड पार्ट, वन रेड एंड वन ब्लैक, इसका मतलब हमारे फेवरेबल आउटकम्स क्या आएंगे, एक क्या होना चाहिए रेड, और फिर क्या लिखा हुआ है एंड वन ब्लैक, रेड कितनी है आपकी थ्री, तो तीन में से कोई एक निकलेगी, एंड है एंड का मतलब मल्टीप्लाई, वन ब्लैक, ब्लैक कितनी है फोर, फोर में से कोई एक निकलेगी, अब आपको पता है 3c1 कितना होता है 3 और 4c1 4, इसका मतलब 3 × 4 कितना हो गया 12, प्रोबेबिलिटीज वन रेड एंड वन ब्लैक, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं आपके 12 और टोटल आउटकम कितने हैं आपके 21, 3 की टेबल पे कट कर दो इसको 3 4 12 एंड 3 7 21, तो आपका आंसर आ गया 4/7, तो ये आपका फाइनल आंसर है। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 15, ए बैग कंटेन 5, अगेन बैग है तो बैग के लिए डायग्राम बनाना होगा, तो डायग्राम बनाइए बैग के लिए, एक बैग में क्या है 5 व्हाइट बॉल्स है, आपने 5 व्हाइट बॉल बनाई, उसके बाद 7 रेड है, आपने 7 रेड बॉल बनाई, उसके बाद क्या कहता है सॉरी ब्लैक बॉल्स भी है आपके पास, तो ब्लैक बॉल भी बनाइए, 3 ब्लैक बॉल्स है, उसके बाद क्वेश्चन में कहता है 3 बॉल्स, इसका मतलब यहाँ पे 3 बॉल्स निकालनी है, लेकिन एक स्टेप और भी है यहाँ पर, ध्यान से देखिए, इसने कहा है 1/1, 1/1 का डायग्राम कैसे बनाओगे, पहले आप 1 बॉल निकालोगे, फिर आप सेकंड बॉल निकालोगे और फिर आप थर्ड बॉल निकालोगे, क्या ये मतलब नहीं है कि ये एक बॉल है या दो बॉल निकालनी थी, नहीं, यहाँ पे फर्स्ट बॉल निकालनी है, यहाँ पे आपको सेकंड बॉल निकालनी है, यहाँ पे आपको थर्ड बॉल निकालनी है, इतना समझ आ गया। फिर इसमें एक वर्ड और भी कहा है विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या, जो कोई पर बॉल निकाल लोगे तो वो वापस नहीं रखनी, इसका मतलब टोटल बॉल एक कम होती जाएगी आपकी। अब देखिए ध्यान से, दैट नन इज रेड,
आप एक भी रेड नहीं होने चाहिए। तो इसमें आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, इसमें फेवरेबल टोटल आउटकम्स निकालने की वैसे जरूरत नहीं, निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो। अभी देखिए 5 + 7 + 3 कितना हो गया, 7 और 5 12 और 3 15, तो टोटल बोल है हमारे पास 15। यहां तक समझा गया? अब नेचुरली जब यहां से एक बॉल निकल जाएगी तो यहां पे कितनी बॉल बचेगी, 14 बॉल्स। जब यहां पे इससे भी एक बॉल आपने निकाल ली तो रिमेनिंग कितनी रह जाएगी, 13 रह जाएगी। तो ये हमारे क्या है, टोटल बॉल्स है। इतना समझा गया? अब यहां पे हम फेवरेबल आउटकम्स निकाल रहे हैं। फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम देखिए क्या है, नन इज रेड, रेड नहीं होनी चाहिए, रेड नहीं होगी तो रेड को कट कर दो। कौन कौन सी बच गई, 5 और 3, 8 बॉल्स। तो यहाँ 8 बॉल में से कोई एक बॉल निकलेगी तो आपको पता है 8C1 करेंगे तो भी क्या आएगा, 8 ही आएगा। और याद रखिए तो इसकी प्रोबेबिलिटीज क्या आ गई, यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स कितने आए आपके 8 और टोटल आउटकम्स कितने हैं 15। पहला केस सॉल्व हो गया। अब सेकेंड केस पे आइए, जब आपने यहां से एक बॉल निकाल लिया वो कम हो गई है तो नेचुरली बात अब यहाँ पे जो आपकी सेकंड बॉल निकालनी है वो भी आपको रेड नहीं निकालनी, इसका मतलब रेड में से तो निकलेगी नहीं। तो 5 और 3 8 से, और एक बॉल आपकी पहले से निकल चुकी है तो टोटल बॉल कितनी रह गई अब आपकी, 7। तो यहाँ पे इस केस में आपके फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 7 हो गए। तो प्रोबेबिलिटीज क्या आ गई, फेवरेबल अपॉन में टोटल। अब फिर वही हो गया, अब 7 में से आपने एक बॉल निकाल ली यहाँ पे तो एक बॉल और कम हो गई, तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स आपके कितने बचे, 6। तो यहाँ प्रोबेबिलिटीज कितनी आ गई, 6/13। और याद रखिए आपको तीनों बॉल निकालनी है, ये नहीं कि एक बॉल निकालनी है, आपको तीनों निकालनी है, तीनों का मतलब एंड। तो इसका मतलब क्या है, आपको मल्टीप्लाई करना है। तो आपकी प्रोबेबिलिटीज तो आप किसके निकाल रहे थे, None is red. तो फर्स्ट टाइम आपने निकाली प्रोबेबिलिटीज कितनी आई, 8/15। सेकंड टाइम आपने प्रोबेबिलिटीज निकाली कितनी आई, 7/14। थर्ड टाइम कितनी आई, 6/13। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, जो जिस पे कट कर सकता है उसको कट कर दीजिए। 7 पे कट कर दो, 7 × 7 7 × 2 = 14। 3 पे कट कर दो, 2 पे 2 × 3 = 6। 3 पे कट कर दो, 3 × 5 = 15। और नहीं कटता तो ऊपर 8 × 2 = 8 और 5 × 13 = 65। तो आपका आंसर आ जाएगा 8/65, ये आपका आंसर है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो इस टाइप का ये डायग्राम बनाने की आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो डायग्राम बहुत इजी बन जाएंगे, और क्वेश्चन को सॉल्व करना तो आपके बाय हाथ की बात होगी, तो काफी इजी क्वेश्चन हो जाएगा। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 16, ए बैग कंटेन, अगेन एक बैग है तो मैं बैग का डायग्राम तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा। ये बैग है, अब बैग में है क्या, यहाँ बॉल नहीं है, यहाँ पे 20 टिकट्स है, इसका मतलब मेरे पास 20 टिकट्स है। और टिकट्स पे क्या लिखा हुआ है, 1 to 20, इसका मतलब मेरे पास टिकट्स क्या है, 1 वाली है, 2 वाली है, अब तो कितनी टिकट्स है मेरे पास, 20 टिकट्स है। फिर कहता है कि 2 टिकट्स आर ड्रोन, इसका मतलब यहाँ से 2 टिकट्स निकालनी है। 2 टिकट्स निकालते ही आपका टोटल आउटकम्स आपके माइंड में आ गया, यस वेरी गुड। टोटल आउटकम्स क्या बन गया आपका, टोटल आउटकम्स इज व्हाट, टोटल कितनी है 20, निकालनी कितनी है 2 टिकट्स। तो सॉल्व करना कितना इजी है, 20 × 19 और ये 2 × 1, तो कट करेगी 2 के टेबल पे, किस पे जाएगा ये, 2 × 1 = 2, 2 × 10 = 20, तो ये कितना आ गया, आई होप 190 आपका आंसर आ गया टोटल आउटकम्स। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, फाइंड द, अब आपको फाइंड करना है बोथ द टिकट्स हैव प्राइम नंबर, दोनों के टिकट्स पे क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर। तो हमारा फेवरेबल आउटकम्स कहां से निकलेगा, प्राइम नंबर से। तो प्राइम नंबर देखिए 1 से स्टार्ट हो जाएंगे, प्राइम नंबर पहला नंबर, 2 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 11 13 फिर 17 फिर 19, यही होंगे। तो कितने हो गए आपके, 4 और 4 = 8 हो गए, निकालने कितने हैं आपको 2, तो 8C2। अब 8C2 को सॉल्व करना तो बहुत आसान है, 8 × 7 और 2 × 1, 2 के टेबल पे कट कर दो, किस पे जाएगा 4 पे,
तो 4 into 7 कितना हो गया 28, तो प्रोबेबिलिटी आपकी आ गई, प्रोबेबिलिटीज क्या है आपकी प्राइम नंबर की फेवरेबल आउटकम्स 28, टोटल आउटकम्स इज 190, 2 की टेबल पे कट कर दो, ये कितना आ जाएगा 14 और ये कितना हो जाएगा 2 9 जा 18 और 5, तो 14/95 ये आपका आंसर आ जाएगा। सो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट। नाउ लुक एट द सेकंड पार्ट, क्या है कि नन ऑफ द टिकट ड्रॉन एज प्राइम नंबर, तो आपके नॉन फेवरेबल आउटकम्स कौन से आ गए आपके नॉन प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर कितने थे आपके 8, तो 20 में से 8 कम कर दो कितने हो गए 12 रह गए, तो 12 में से कोई दो निकालने हैं तो 12C2 इसको सॉल्व कर दो, 12 × 11 / 2 × 1, 2 की टेबल पे कट जाएगा तो 6 × 11, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 66। फेवरेबल आउटकम्स आपके 66 हैं, टोटल आउटकम्स कितने हैं 190, 2 की टेबल पे कट कर दो ये 33, तो अगेन ये 95, तो आपका आंसर आ जाएगा 33/95 ये आपका आंसर। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 17, कहता है कि टू कार्ड्स आर ड्रॉन, दो कार्ड्स आपने निकाले गए हैं, इसका मतलब आपके पास क्या एक वेल पैक ऑफ 52 कार्ड्स का एक पैक है। मैं यहां ड्रॉ कर लेता हूं, ये मेरा एक 52 कार्ड्स का क्या है एक पैक है। कहता है ड्रॉन वन बाय वन आफ्टर द अदर, इसका मतलब पहले एक निकाला और फिर क्या निकाला आपने सेकंड, तो ये फर्स्ट रो है, ये आपका सेकंड रो है। फिर क्या कहता है विदाउट रिप्लेसमेंट, इसका मतलब आपको दिखाई दे गया विदाउट रिप्लेसमेंट, इसका मतलब नेचुरली यहाँ पे टोटल कार्ड कितने हैं, तो टोटल आउटकम्स की बात करते हैं, तो टोटल आउटकम्स यहाँ पे कितने हैं आपके 52 है, और यहाँ पे टोटल आउटकम्स क्या बच जाएंगे आपके 51, क्योंकि एक कम हो गया। अब कहता है कि दैट वन ऑफ दिस इज अ क्वीन एंड अदर इज अ किंग, मतलब एक किंग होनी चाहिए और दूसरा क्या है क्वीन, इसका मतलब आप देखिए कि इसमें हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, आपको प्रोबेबिलिटी किसके निकालनी है वन इज क्वीन एंड, एंड का मतलब मल्टीप्लाई, एंड अदर इज अ किंग, अदर इज अ किंग, लेकिन किंग तो निकालना है लेकिन इसे कंडीशन और भी दिया, इसको ध्यान से रीड करिए अपोजिट कलर। अब इस चीज को याद रखिएगा कि अपोजिट कलर कहा है। अब सबसे पहले हमने क्वीन निकालनी है, एक क्वीन, कितनी क्वीन होती है आपके पास 4, तो 4 में से एक क्वीन निकल गई, एंड का है, एंड का मतलब क्या है मल्टीप्लाई, क्योंकि आपको दो कार्ड निकालने, पहला कार्ड आपने किंग में से निकाल लिया, सेकेंड कार्ड किस में से निकालते हैं किंग में से, लेकिन अपोजिट कलर, मान लो ये जो मैंने क्वीन निकाली है वो ब्लैक कलर की निकल गई, तो मुझे अपोजिट कलर कौन सा है रेड कलर, तो रेड कलर में किंग कितने हुए 2 ही हुए ना, तो अपोजिट कलर का मतलब अलग कलर में से, तो यदि मैं रेड कलर की क्वीन निकालता हूँ तो नेचुरली रेड का अपोजिट क्या हो गया ब्लैक, तो ब्लैक में भी 2 ही किंग होंगे, इसका मतलब किंग कितने हैं 2, इसमें से निकालना तो आपको एक ही है, टोटल टोटल कितने हैं आपके 52 है, और टोटल कितने निकल गए 1 और 1 2, जिसका मतलब 52C2, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे और इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे। आई होप जैसे आपको समझ आया हो आप वैसे कर सकते हो। ऐसे करते तो कैसे निकालते हैं, सपोज करा आपने क्या निकाल दिए क्वीन, अब क्वीन कितनी है 4, तो मैं यहां पे फेवरेबल आउटकम्स बनाता हूं, कितना आएगा 4, तो प्रोबेबिलिटीज क्या बन गई 4 फेवरेबल आउटकम्स 4 में 52। अब दूसरा कार्ड क्या निकालना है किंग, किंग निकालना है, अब जब एक कार्ड इसमें से कम हो चुका है इसका मतलब टोटल आउटकम्स 51 है, और फेवरेबल आउटकम्स कितने निकालने हैं अपोजिट कलर, अपोजिट कलर के 2 ही बचेंगे, इसका मतलब प्रोबेबिलिटीज क्या आ गई 2/51। अब ये क्या कहा था बीच में एंड, एंड का मतलब मल्टीप्लाई, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 4/52 × 2/51, इसको कट कर दो 4 1 4 4 13 पे कट जाएगा ये,
2 into 2 और 13 1 जा 13, 13 5 जा 65 और 1 66, तो 2 by 663 आपका आंसर है। आप ऐसे सोल्व कर लोगे तो देखो 4C1 क्या होता है 4, 2C1 क्या होगा 2, 52 सोल्व करना आता है आपको, 52 into 51 डिवाइड में 2 into 1, ये रेसिप्रोकल कर दो क्या बन जाएगा 4 into 2 और ये 2 into 1 ऊपर आ गया और नीचे कितना रह गया 52 into 51, 4 पे कट कर दो 30, तो 2 into 2 4, 4 बाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा। लेकिन याद रखिए यहाँ पे बस एक क्या प्रॉब्लम थी, यहाँ से डायरेक्ट आंसर नहीं निकल सकता, ये डायरेक्ट आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो हमने क्या माना है, पहला हमने फर्स्ट क्वीन माननी है यहाँ पे और सेकंड क्या माननी है हमने किंग। ऐसे ये भी हो सकता था कि पहले के यहाँ निकल जाए किंग निकल जाए और दूसरा क्या निकले क्वीन, ये भी हो सकता था क्योंकि ये निकालना कि इसमें फर्स्ट कौन सा निकलेगा और सेकंड कौन सा निकलेगा। सो प्लीज मेक अ नोट। तो आप ऐसे सोल्व करते हो तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 2 से, क्यों? क्योंकि ऐसे केस क्या बनेंगे, 2 केस बनेंगे। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 4 by 663 और यहां से भी आंसर कितना आ रहा है आपका 4 by 663। तो आप ये मेथड अप्लाई करना चाहते हो तो डायरेक्टली अप्लाई करके ये ऐसे सोल्व कर सकते हो और इस मेथड से अप्लाई करना चाहते हो तो इस मेथड से भी कर सकते हो, जैसे आपका मन करे आप वैसे कर सकते हो। आई होप आपको ये बेटर लगा होगा कि पहला क्वीन था तो 4 में से एक क्वीन निकलेगी, दूसरा किंग 2c1/52c2, इसको सोल्व करना आसान है, आपका आंसर इजी आ जाएगा। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड प्लीज, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि अ कमेटी ऑफ टू इज सिलेक्टेड फ्रॉम द टू मैन एंड टू वुमेन। तो एक ग्रुप है जिसमें टू मैन हैं एंड टू वुमेन, ठीक है। अब इस ग्रुप में से आपको क्या करना है, टू सिलेक्ट करने हैं, आपको टू सिलेक्ट करने हैं। फिर क्या कहता है कि आप देखिए, सबसे पहले तो हम अपना टोटल आउटकम से निकाल लेते हैं क्योंकि टू सेलेक्ट करना है। तो टोटल आउटकम्स कितने आ गए, 2 plus 2 4 और 4 में से आपको कितने सेट करने हैं 2, तो 4C2 आपके टोटल आउटकम्स हो गए। अब फेवरेबल आउटकम्स देखिए, फेवरेबल आउटकम्स आपका क्या है, हम पहला पार्ट कर रहे हैं नो मैन, इसका मतलब 2 सेलेक्ट करने हैं, मैन को सेलेक्ट नहीं करना, तो किस में से सेलेक्ट करोगे आप, वो मैन में से करोगे। इसका मतलब क्या है, या तो कह सकते हो नो मैन का मतलब 0 भी कह सकते हो, ऐसे भी सकता हूं मैं 2C0, एक भी मैन सेलेक्ट ना हो तो 2C0 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी आपको पता ही है नो मैन, यदि एक भी सेलेक्ट नहीं हुआ तो वैसे तो आप इसमें से मत करिए, डायरेक्ट ही करिए नो मैन का तो मैन नहीं है, तो किस में से सेलेक्ट करने पड़ेंगे आपको मेंबर, वो मैन में से, तो डायरेक्टली कर लीजिए 2C2, क्योंकि वुमेन 2 है और 2 ही सिलेक्ट करने, तो 2C2। आप प्रोबेबिलिटी निकालिए, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं आपके 2C2 डिवाइड में टोटल आउटकम्स कितने हैं 4C2। सॉल्व करने का शॉर्टकट तरीका आपको बताया रखा, उसी से सॉल्व करिए, क्वेश्चन काफी इजी हो जाएगा। 2C2 को क्या लिखोगे आप, 2 into 1, 2 है नीचे तो 2 into 1 ही आएगा, ऐसी 4 है तो 4 into 3 और इसको 2 into 1 ऐसे ही लिखेंगे। आप देखिए ध्यान से, 2 into 1 2 into 1, तो ये तो वैसे ही कर गया, आप क्या बचा आपका ऊपर 2 डिवाइड में 4 into 3 12, तो आपका आंसर कितना आ गया 1/6, ये आपका आंसर आ गया। आप देखिए सेकंड पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट तो फेवरेबल आउटकम्स आपके क्या आ जाएंगे, 1 man, तो 1 man होना जरूरी है, तो एक कहां से सेलेक्ट करोगे, वुमेन में से, मैन कितने हैं 2, तो 2 में से एक सेट हो गया,
और एक आप फोर सेट करना है क्योंकि कमेटी तो दो की बनानी है ना, तो एक वुमेन में से सेट करोगे तो 2C1। आपको पता है 2C1 कितना होता है, 2 ही होता है, 2C1 2, तो डायरेक्टली सॉल्व कर दो कितना आ गया ये 4। फोर आ गया। अब क्या करना है आपको, प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम, सो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट। नाउ प्लीज सॉल्व दिस। अब हम सॉल्व करते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं वन मैन की, फेवरेबल आउटकम्स कितने आए आपके 4, टोटल आउटकम्स आपको पता है 4C2। इसको डायरेक्टली सॉल्व कर दिया जाए तो बहुत आसान हो सकता है, 4 × 3 और 2 × 1, तो ये 2 की टेबल पे कट जाएगा, 2 × 2 = 4, तो 2 × 3 = 6, तो मैं डायरेक्टली यहाँ क्या लिखूँ 6 लिख देता हूँ, तो कट के आंसर कितना आ गया 2/3। अब थर्ड पार्ट देखिए इसका, 2 men, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ 2 men, तो फेवरेबल आउटकम्स देखिए क्या बनेंगे 2 men के फेवरेबल आउटकम्स, men कितने हैं 2 और सेलेक्ट भी आपको कितने कब करने थे 2, इसका मतलब वुमेन सेलेक्ट करने ही नहीं, तो वुमेन को लिखो ही मत 2C2, और 2C2 का मतलब क्या है 2 × 1 और 2 × 1, इसका मतलब कट करके क्या आ गया 1 आ गया, तो फेवरेबल आउटकम्स 1, टोटल आउटकम्स क्या है 6, तो आपका ये आंसर आ गया 1/6। तो ये छोटी सी बातें होती है, 2C2 ये भी 1 होता है और 2C1 जिसके बेस में 1 आ जाए वो भी क्या होता है 1 ही होता है, तो डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो। नाउ लुक एट द बोर्ड, कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट व्हेन ए हैंड ऑफ 7 कार्ड्स इज ड्रॉन फ्रॉम ए, मतलब आपको 7 कार्ड निकालने, इसका मतलब क्वेश्चन बहुत बड़ा होने वाला है, तो करिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे 52 कार्ड्स हैं और इसमें से आपको कार्ड कितने निकालने हैं 7 कार्ड्स निकालने हैं, इसका मतलब टोटल आउटकम्स आपके माइंड में आ गए, टोटल कितने हैं 52 है, 7 निकालने 52 7 6 7। अब इसको कट करना थोड़ा टफ हो जाएगा, तो कैलकुलेशन आपको खुद करनी है, मैं तो जस्ट पैड पैड लिखूंगा और सॉल्व करूंगा फिर आप इसको नोट करिएगा। उसके बाद क्या कहता है पहला पार्ट, फेवरेबल आउटकम्स हमारे क्या आ जाएंगे इस केस में, ऑल किंग, किंग कितने होते हैं 4, लेकिन निकालने तो 7 है ना, इसका मतलब सारे के सारे किंग भी निकलेंगे और 3 कार्ड एक्स्ट्रा भी निकलेंगे, तो किंग कितने होते हैं 4, तो 4 में से 4 किंग निकल जाएंगे, लेकिन अभी तो 4 निकले ना, 3 और कहां से निकलेंगे, जो किंग के अलावा कार्ड है, किंग के अलावा कितने कार्ड रह गए 48, तो 48 में से कितने निकलेंगे 3 निकलेंगे, ये आ गया आपके फेवरेबल आउटकम्स इसके। दूसरे पे आ जाइए, फेवरेबल आउटकम्स इसके कितने आएंगे एग्जैक्टली 3 किंग, मतलब 3 ही किंग निकालने हैं, तो 4 आपको दूसरे में से निकालने होंगे, तो 4C3 और 48C4, ये आपका सेकंड के फेवरेबल आउटकम्स। थर्ड के एटलीस्ट 3 किंग, मतलब कम से कम 3, 4 भी हो सकते हैं और 4 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकते क्योंकि किंग ही नहीं होते, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है, या तो 3 किंग हो सकते हैं या 4 किंग हो सकते हैं, नेचुरली यदि 3 किंग होंगे तो चार तो कार्ड कहां कहां से निकलेंगे आपके, 3 किंग निकालने हैं, इसका मतलब किंग होते हैं 4, तो 4C में से 3 निकलेंगे, रिमेनिंग कितने रह गए 48 में से बाकी कार्ड कौन से रहेंगे कितने 4, तो 48C4, या तो ये केस होगा या 4 किंग का मतलब 4C4, बाकी 3 कार्ड किस में से निकलेंगे 48C3 में से निकलेंगे। हो गया क्वेश्चन, अब क्या करना है इन सबको डिवाइड करिए फेवरेबल आपको कौन में टोटल, डू इट योरसेल्फ, मैं भी करता हूं, देखते किसको जल्दी होता है, सो प्लीज मेक अ नोट। चलिए करिए स्टार्ट, हम फर्स्ट पार्ट करते हैं, ऑल किंग का फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं आपके, ये 4C4 × 48C3 डिवाइड बाई टोटल आउटकम्स कितने हैं आपके 52C7। करिए सॉल्व इसको फटाफट, जितनी जल्दी कर सकते हो आप करिए, 4C1 को सॉल्व करेंगे तो आपका 1 आएगा, करके देख लीजिए, 48 को सॉल्व करो, 48 × 47 × 46 डिवाइड बाई व्हाट 3 × 2 × 1,
52 into 51 into 50 into 49 into 48 into 47 into 46. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 divided by 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. अब इसको आपको सॉल्व करना है तो आप सॉल्व करिए और डायरेक्ट आंसर ऑब्टेन करिए. इसका आंसर आएगा, आई होप आपका सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका 1 अपॉन में 7, 1 अपॉन में 7, 7, 3, 5. ये आपका इसका आंसर आएगा सॉल्व करके. आपको खुद ही सॉल्व करना है इसको. ऐसे ही सेकंड पार्ट की प्रोबेबिलिटीज क्या आ जाएगी, फेवरेबल आउटकम्स कितने आपके, ये रहा 4C3 into 48C4 divided by 52C4, sorry C7. ऐसे आपको इसको सॉल्व करना है और ऐसे ही थर्ड पार्ट को सॉल्व करिएगा. इसको भी डायरेक्ट ऐसे ही सॉल्व करना है तो आप खुद ही करिए इसको. आई होप आपको इसी समझ आई होगी. और थर्ड पार्ट आपको पता है फेवरेबल आउटकम्स क्या है, मैं एक बार इसको लिख देता हूँ. तो प्लीज मेक अ नोट, इसको सोल्व करेंगे सेकंड पार्ट को. आपका आएगा आंसर 9 डिवाइड बाय 1547. ठीक है. और थर्ड पार्ट देखिए क्या है आपका, प्रोबेबिलिटीज ऑफ एटलीस्ट 3 किंग. इसमें केस कौन कौन से बने हैं, एक फेवरेबल आउटकम्स बनता है आपका 4C3 मल्टीप्लाई 48C4 और का मतलब क्या होता है प्लस और फिर बनता है ये 4C4 into 48C3 डिवाइड बाय कितना हो गया 52C7. अब ध्यान से देखिए, हम दोनों को अलग अलग डिवाइड में लिख दो इसको. 4C3 मल्टीप्लाई 48C4 डिवाइड में व्हाट 52C7. ऐसे इसको लिखो 4C4 मल्टीप्लाई 48C3 डिवाइड बाई 52C7. अब ध्यान दीजिए, ये केस देखिए, ये तो सेकंड वाला केस ही है. सेकंड केस इसका मतलब इसका आंसर तो कितना आएगा, सोल्व करेंगे इसका आंसर तो आएगा आपका, मतलब कर दो इसको, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका 9/1547 प्लस. और ये केस देखिए, ये कोई तो सुनिए, ये कोई आपका फर्स्ट केस ही है, तो यहां से आंसर कितना आया था 1/7735. तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, किस किस को, इसको और आपकी इस वैल्यू को, दोनों को ऐड कर दोगे उससे आपका रिजल्टेंट आंसर आ जाएगा 46/7735. तो ये आपका थर्ड पार्ट का आंसर है. आई होप आपको समझ आया होगा. कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है, थोड़ा टाइम लगेगा, सो डू इट योरसेल्फ. नाउ लुक एट द बोर्ड, क्या कहता है कि ए बैग कंटेन 12 आइटम्स, क्वेश्चन नंबर 20, ऑफ विच आर 4 आर डिफेक्टिव. इसका मतलब एक बैग है हमारे पास, इसमें 12 आइटम्स है. ठीक है, ये बैग है हमारा. फिर क्वेश्चन में कहता है Of which 4 are defective, इसका मतलब 4 defective है, 4 defective इसके अंदर include है, कहा है ना of which, इसमें से 4 defective है. इसका मतलब क्या है, एक तो हमारे पास good है plus 4 क्या है defective, ये हमारा bag है 12. यहां तक समझाया, तो अब ये हम आपको इग्नोर कर देना है, हमारा ये पैक है एक किस्म से. आप देखिए क्या कहता है कि 2 आइटम्स आर ड्रोन, इसमें से आपको 2 आइटम्स आर ड्रो करने हैं, 1 and 2. आगे रीड करिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नो आइटम डिफेक्टिव, कोई भी आइटम डिफेक्टिव नहीं होनी चाहिए. इसका मतलब आप दो आपको ड्रॉ करने, दोनों के दोनों किस में से निकलेंगे, गुड में से, तो आप प्रोबेबिलिटी किसके निकाल रहे हो, नो आइटम डिफेक्टिव. तो दोनों के दोनों कहां से निकालोगे आप, गुड में से निकालोगे, गुड कितने हैं 1, निकालने कितने हैं आपको 2. ये फेवरेबल आउटकम्स है, डिवाइड में टोटल आउटकम्स कितने हो गए 8 और सॉरी 12 आइटम्स है, तो 12C2.
समझ आया? अब इसको सोल्व करना तो काफी इजी है, करिए सोल्व। मैं इसको यहां सोल्व कर देता हूं। 8C2 का मतलब क्या है? 8 × 7 और 2 × 1। और 12C2 का मतलब क्या है? 12 × 11 और 2 × 1। अब आपको टर्म दिखाई दे रही है, ये टर्म तो कैंसिल आउट हो गई। क्या वैल्यू मिली आपको? 8 × 7 और 12 × 11। ये भी कट हो सकती है, 4 की टेबल पे कट कर दो। 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12। सो 2 × 7 = 14 और 3 × 11 = 33। तो आपका पहला आंसर आ गया 14/33। सो प्लीज मेक अ नोट। अब सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में क्या रहता है? वन आइटम इज डिफेक्टिव, इसमें से दो में से एक डिफेक्टिव है, तो एक गुड में से निकलेगी और एक डिफेक्टिव में से। टोटल गुड कितनी है? फेवरेबल आउटकम्स की बात करते हैं हम, यही लिख देता हूं मैं। यहां हमारे फेवरेबल आउटकम्स आ जाएंगे। कितने हैं फेवरेबल आउटकम्स? 8 गुड में से है, तो एक डिफेक्टिव में से निकलेगी, क्योंकि निकालने तो हमें दो है ना। तो प्रोबेबिलिटीज क्या हो गई? फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड में व्हाट? टोटल आउटकम्स, टोटल तो वही कितनी है 12, और दो निकालनी है 12C। सोल्व कर सकते हैं, करिए इसको सोल्व। 8C1 सोल्व करेंगे 8 आएगा, 4C1 4 ही होता है, 12 को सोल्व करेंगे 12 × 11। और देखिए डिवाइड में आता है 2 × 1, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो डायरेक्टली लिख सकता हूं मैं 2 × 1। कट कर दो, किसकी टेबल पे कट हो जाएगा? ये 4 की टेबल पे। 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12। और तो नहीं कटता, तो 8 × 2 = 16/33। ये आपका सेकंड आंसर आ जाएगा, 16/33। नाउ लुक एट द थर्ड पार्ट, बोथ आर डिफेक्टिव। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या आ गए? दोनों के दोनों डिफेक्टिव। डिफेक्टिव कितनी है? 4, तो 4 में से कोई दोनों निकलेगी। तो प्रोबेबिलिटीज क्या आ गई? बोथ डिफेक्टिव। फेवरेबल आउटकम्स 4C2, टोटल आउटकम्स कितने हैं? 12C2। इसको सोल्व करने का रूल भी वही है, 4 × 3 / 2 × 1, सेम 12 × 11 और 2 × 1। अगेन 2 × 1 से 2 × 1 कैंसिल आउट। क्या वैल्यू बची आपकी यहाँ पे? 4 × 3 / 12 × 11। अगेन कट कर दो, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12। 3 पे कट कर दो 3, आपका आंसर आएगा 1/11। This is our third part. So please make a note. Now look at the board. Question number 21. 4 cards are drawn from a pack of 52 cards. Question वही, same वही question है. 52 cards है. और 52 cards में से हमें कितने cards draw करने हैं? 4 cards draw करने हैं. तो टोटल आउटकम्स आपके माइंड में आ गए, क्या आएंगे? टोटल है 52, सिलेक्ट कितने करने हैं? 4 52 C 4। अब देखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ऑल द 4 कार्ड्स ऑफ सेम नंबर। प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट। यस, व्हाट की कहता है कि सेम नंबर, कि चारों के चारों कार्ड सेम नंबर क्यों होते हैं? सेम नंबर का मतलब क्या है? जैसे आप एस की बात करते हो, एस का मतलब ऐसे नंबरिंग क्या होती है? 1 होती है ना, तो 1 1, मतलब सभी चारों कार्ड 1 1 के होने चाहिए। इसका मतलब पहला केस ये बन सकता है, ध्यान से समझिएगा इसको, 1 1 1 1। इसका मतलब क्या है? एस। एस की नंबरिंग क्या होती है? 1 होती है। ऐसे ही सेकंड कार्ड यदि 2 का है तो सभी में से निकलेगा 2 2 2। ऐसे ही करते ही 10 10 10। इसके बाद हमारे पास क्या कार्ड बचते? 3 कार्ड और बचते हैं, फेस कार्ड। लेकिन उनको हम नंबरिंग के अकॉर्डिंग करते हैं, तो नंबर भी हम कहते हैं उनका, क्या कहते हैं उसका? 11 11 11। इसका नंबरिंग क्या होता है? जैक। ऐसे ही 12 12 सॉरी, ये कितने कितने 4 कार्ड हो गए ना सारे, 12 12 12। को हम क्या कहते हैं? क्वीन। क्वीन की नंबरिंग क्या होती है? 12 होती है। ऐसे ही 13 13 13 13, ये किसकी नेमिंग होती है?
क्योंकि इसने कहा है सेम नंबर, तो नंबर के अकॉर्डिंग आप समझिए, एस है तो इसको हम वन नंबर कहते हैं, और जैक है इसको 11, क्वीन को 12 नंबर कहेंगे और किंग को 13 नंबर कहेंगे। तो चारों कार्ड पे क्या होना चाहिए था, सेम नंबर। इसका मतलब कितने केस बने, 1 2 3 4 5 करके 12 और 13, तो फेवरेबल आउटकम्स आपके कितने आ गए, 13 आ गए। इसको सोल्व कर लो, 52 × 51 × 50 × 49 / 4 × 3 × 2 × 1, इसको कट कर लीजिएगा और देखिएगा क्या आंसर आता है। 4 पे कट करना तो ये 13 पे चला जाएगा, 3 पे कट करना तो ये 17 पे जाएगा। दोबारा सॉल्व कर देता हूं एक बार, ये क्या है, 52 × 51 × 50 × 49 / 4 × 3 × 2 × 1, ये आएगा। 4 पे कट कर दो, 4 × 4 ये 13 पे चला जाएगा, 3 पे कट कर दो ये 17 पे चला जाएगा, 2 पे कट कर दो ये 25 पे चला जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो और मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आएगा 270 और 275, शायद ये नंबर आएगा, यस 270 और 275, ये आपके टोटल आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई आपकी, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं आपके 13, तो 13, और टोटल आउटकम्स कितने आ गए आपके ये 270 275, तो ये क्या आ गया आपका फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा, सो प्लीज मेक अ नोट।